ओके सो आई वेलकम यू ऑल अगेन दिस ऑनलाइन कोर्स ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर नॉलेज फॉर जेके एस एस बी सो कल हमने स्टार्ट किया था इनपुट डिवाइसिस ओके तो मैंने बोला था इनपुट डिवाइस का बेसिक एम क्या होता है इनपुट डिवाइस कंप्यूटर और हमने कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा देखा था की कीबोर्ड के इतने लेआउट्स है किसका कौन इन्वेंटर है कहाँ से वो उसका ओरिजिन हुआ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज जो हम यूज करते हैं अपनी कीबोर्ड में ओके सो आवर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट इनपुट डिटर की बोर्ड इज ये सो पॉइंटिंग डिवाइस आपके बहुत सारे हैं दीज पॉइंटिंग डिवाइस ये डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे आपके कर्सर को कंट्रोल करते हैं जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है दे पॉइंट टू ए पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द मोनिटर ठीक है चाहे माउस है चाहे ट्रैक बॉल है चाहे जॉय स्टिक है ये सारे इनपुट डिवाइस क्या करते हैं डायरेक्टली आप कर्सर को मॉनिटर पे कंट्रोल करते हैं जो ही आप इनपुट डिवाइस पे जो पॉइंटर डिवाइस है उसको मूव करते हैं या पॉइंटर डिवाइस के किसी पार्ट को मूव करते हैं तो आपका कर्सर जो है आपके डिस्प्ले पे डिफरेंट लोकेशन पे मूव होता है राइट सो मूवमेंट्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस आर इक्वल ऑन द स्क्रीन बाय मूवमेंट्स ऑफ द पॉइंटर राइट right? तो जो भी आपकी डिवाइस है वो डायरेक्टली आपके कर्सर को कंट्रोल करती है तो सम ऑफ द सम्पोर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसिस जो हम आज टेकअप करने जा अच्छा रहे हैं दैट इज योर वन इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज होता है दैट इज योर माउस ओके माउस इज देर ट्रैक बॉल जॉय स्टिक लाइट पेन एंड टच स्क्रीन ओके दिज आर ऑल पॉइंटिंग डिवाइसिस एंड टच स्क्रीन जो है उटपुट डिवाइज ठीक तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे एज एन इनपुट डिवाइस और आगे आउटपुट डिज में हम इसको डिस्कस करेंगे एज एन आउटपुट डिवाइस ओके सो माउस माउस क्या है माउस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आप यूएसबी के थ्रू डायरेक्टली अपने कंप्यूटर के साथ कंट्रोल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं एंड मूवमेंट ऑफ माउस ऑन सम माउस पैड इट डायरेक्टली कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट्स ऑन योर डिस्प्ले तो आप माउस पैड पे क्या करते हैं अपने माउस को रोटेट करते हैं या मूव करते हैं तो डायरेक्टली आपका जो कर्सर है वो स्क्रीन पे मूव होता है जैसा कि कल भी मैंने आपको बोला था आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है इसमें वन इज इन्वेंटर सो माउस का जो इन्वेंटर है दैट इज डोगलास एंगल बाट डोगलास एंगल बाट और ये कहाँ पे बनाया गया था स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में बनाया गया था 1963 में सो so, 1963 में आपका माउस बनाया गया बाय डोगलास एंगलबर्ट स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में सो so, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है ठीक अब माउस से हम करते क्या है माउस से हम क्या करते हैं कर्सर की मूवमेंट को स्क्रीन पे कंट्रोल करते हैं जब आपका कर्सर स्क्रीन पे होता है आप माउस को मूव करते हैं राइट लेफ्ट अप डाउन अकॉर्डिंगली आपका जो कर्सर है वो स्क्रीन पे मूव करता है तो हमारे पास इस वक्त तीन टाइप्स के माउस होते हैं तीन टाइप्स के माउसेस होते हैं एक है आपका वायरलेस वायरलेस मींस ये माउस है ये वायरलेस माउस है इसके साथ क्या होता है एक डोंगल होता है डोंगल होता है जो आप डायरेक्टली यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं कंप्यूटर के एंड दिस माउस कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर वायरलेसली आपको कोई वायर यूज करने की जरूरत नहीं है दिस इज अ वायरलेस माउस ओके तो वायरलेस के थ्रू क्या होता है ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज करता है जिसको बोलते हैं रेडियो वेव्स जैसे आपका टीवी रिमोट है आप वायरलेसली अपनी टीवी को क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए रिमोट कंट्रोल वो रिमोट कंट्रोल जो होता है वो आई आर बेस्ड होता है इंफ्रा रेड बेस्ड होता है लेकिन जो यहाँ पे वायर माउस वायरलेस माउस है ये कम्युनिकेट करता है अपने पीसी के साथ थ्रू रेडियो वेव्स ओके इसके बाद आपका आता है मैकेनिकल माउस मैकेनिकल में माउस अगर आपने देखा होगा पहले पहले जो माउसेस आते थे <laughs> उनके नीचे एक बॉल होता था आप माउस को मूव करते थे आपका बॉल अंदर से रोटेट होता था और उस बॉल की रोटेशन की वजह से आपका जो कर्सर है वो स्क्रीन पे रोटेट होता है ठीक है सॉरी तो मैकेनिकल माउस में नीचे से एक बॉल होता है एक राउंड बॉल होता है जब आप माउस को रोटेट करते हैं एक माउस पैड पे तो आपका बॉल एक्चुअली रोटेट होता है और उसकी वजह से आपका जो स्क्रीन पे कर्सर है वो रोटेट होता है ना मैकेनिकल और ऑप्टिकल या मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस मैकेनिकल में देयर इज सम मैकेनिकल एक्चुएशन उसमें होती है मैकेनिकल एक्चुएशन मतलब मतलब कोई पार्ट जो है वो मूव कर रहा होता है राइट टू एंड फ्रो मूव करता है अपराइट मूव right करता है राइट लेफ्ट मूव करता है तो मैकेनिकल जहां पे भी टर्म आती है वहां पे एक्चुअल मूवमेंट्स होती है ओके सो दिस इज द मैकेनिकल माउस मैकेनिकल माउस में क्या होता है मैंने बोला नीचे से एक बॉल होता है आप जो ही मैकेनिकल माउस को माउस पैड पे रोटेट करते हैं तो आपका बॉल रोटेट होता है तो उस बॉल रोटेशन की वजह से आपका कर्सर जो है स्क्रीन पे रोटेट होता है और मूव uh, करता है ऑप्टिकल माउस जो है द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल माउस इज बेस्ड ऑन लाइट इट इज बेस्ड ऑन लाइट ओके वायरलेस माउस इट इज अ पार्ट ऑफ यूर ऑप्टिकल माउस ओके वायरलेस माउस भी हमारे पास ऑप्टिकल होते हैं आजकल के जो माउस हम यूज करते हैं अगर आप उसको बॉटम साइड से चेक करेंगे जो ही आप माउस यूएसबी के थ्रू अपने पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपके माउस के नीचे लाइट आती है ठीक किसी में रेड लाइट आती है किसी में ब्लू लाइट आती है ओके तो जो ही आप उसको मूव करते हैं तो लाइट वेरिएशन की वजह से आपका जो कर्सर है वो स्क्रीन पे मूव करता है ओके सो दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस वन इज योर वायरलेस माउस वन इज योर मैकेनिकल माउस एंड द थर्ड वन इज योर ऑप्टिकल माउस नाउ अब माउस में क्या होते हैं अब अपने माउस के बटन और उनके फंक्शंस के बारे में देखना है माउस में एक्चुअली दो बटन्स ओके okay? एक स्क्रॉल व्हील होता है दो बटंस और एक स्क्रॉल व्हील दो बटन्स आपके कौन से हो गया? एक ये हो गया आपका लेफ्ट बटन इसको हम बोलते हैं लेफ्ट बटन इसको बोलते हैं राइट बटन ओके और ये हो गया आपका स्क्रॉल व्यू ये हो गया स्क्रॉल व्हील स्क्रॉल का मतलब होता है ऊपर नीचे आपके पेज को ऊपर नीचे करना लाइक like मैं यहां पे ऐसे कर रहा हूं आप देख रहे हो नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड स्क्रॉलिंग ओके तो लेफ्ट क्लिक से क्या होता है अगर आप लेफ्ट क्लिक एक बार करते हैं तो आपका कोई भी आइटम जो है स्क्रीन पे वो सिलेक्ट हो जाता है क्या हो जाता है सिलेक्ट हो जाता है दैट मीनस लेफ्ट क्लिक और लेफ्ट क्लिक ये क्या करता है ये एक आइटम को स्क्रीन पे सिलेक्ट करता है ओके फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई फोल्डर है यू वॉन्ट टू सिलेक्ट दैट फोल्डर आप क्या करेंगे माउस का कर्सर वहां पे लेके जाएंगे एंड प्रेस द राइट लेफ्ट क्लिक तो जब आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे उस फोल्डर पे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा दैट मीन वो हाईलाइट हो जाएगा ओके okay? अगर आप उसी आइटम पे डबल क्लिक करते हैं इसी लेफ्ट क्लिक से लेफ्ट क्लिक से आप क्या करते हैं डबल क्लिक करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है या फोल्डर है वो ओपन हो जाता है जो डॉक्यूमेंट या फोल्डर या प्रोग्राम है वो ओपन हो जाता है ओके दिस इज तो दोनों के दोनों जो फंक्शनर्स है यहाँ पे जो ये सिंगल क्लिक और वी कैन से लेफ्ट क्लिक एंड डबल क्लिक ये जो है ये लेफ्ट बटन के फंक्शंस है ओके okay? तो लेफ्ट बटन अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे किसी फोल्डर या प्रोग्राम या किसी फाइल पे तो वो सिलेक्ट हो जाता है अगर आप उसे डबल क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट या फाइल जो है वो ओपन हो जाती है ओके okay? इसके बाद आता है हमारा राइट right क्लिक तो राइट right क्लिक मेरा ये हो गया राइट right? तो राइट right क्लिक क्या करता है जो ही आप किसी फोल्डर पे जाके राइट right क्लिक करते हैं तो ये आपको डिस्प्ले करता है कमांड्स लिस्ट ऑफ कमांड्स डिस्प्ले करता है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही यहाँ पे राइट right क्लिक करता हूँ लेटर से ये मैंने राइट right क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है और इस डायलॉग बॉक्स में क्या है बहुत सारी कमांड्स रिलेटेड टू दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिमिलरली आपके पास वर्ड फाइल होगा उसके ऊपर आप राइट right क्लिक करेंगे तो वो उसके uh, जो एसोसिएटेड कमांड्स है उनको डिस्प्ले करेगा ओके सो दिस राइट क्लिक इट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ कमांड्स ऑन द स्क्रीन राइट राइट क्लिक इज यूज्ड टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो राइट क्लिक से आप क्या कर सकते हैं

अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करना है मैं क्या करूंगा मैं पहले लेफ्ट क्लिक यहाँ प्रेस करूंगा देन आई मूव माई माउस आप देख सकते हैं ये आपका मूव हो रहा है ओके okay? तो ये जो चीज है ये आपका मूव हो रहा है दिस इज़ कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग कैसे करेंगे ड्रैग हम करेंगे उस ऑब्जेक्ट फाइल या प्रोग्राम पे अपना कर्सर ले जाके देन वी प्रेस द लेफ्ट क्लिक एंड देन मूव द माउस देन वी मूव द माउस और आपका जो ये फाइल फोल्डर या टेक्स्ट है ये आपका मूव करेगा उस लोकेशन तक जिस लोकेशन पे आपको इसको ले जाना है और वहां पे जाके आप क्या करेंगे आप लेफ्ट बटन को रिलीज करेंगे ओके okay? सो so, इससे हम क्या करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप सो माउस में हमने क्या देखी चार पांच चीजें हमने माउस में देखी पहले माउस को बनाया गया किसने इसने इसको इन्वेंट किसने किया डोगलास एंगलबार्ट स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर 1963 में इसको बनाया गया स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च सेंटर में एंड दिस माउस इज यूज टू पोजिशन द करसर ऑन द स्क्रीन जो भी आपके स्क्रीन uh, पे कर्सर होता है उसको किसी भी मोनिटर uh, लोकेशन पे ले जाना या वहाँ से वापस लाना ये माउस की हेल्प से हम करते हैं ठीक है और माउस हमारे पास तीन तरह के होते हैं वायरलेस माउस जिसमें कोई वायर नहीं होती है वायरलेसली वो काम करता है मैकेनिकल माउस होता है जिसके नीचे एक बॉल होता है जब हम माउस को रोटेट करते हैं माउस पैड पे तो आपका बॉल रोटेट होता है और उस वजह से आपकी कर्सर मूवमेंट होती है ऑप्टिकल में जो माउस की कर्सर मूवमेंट जो होती हैं वो होती हैं एज वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट माउस में आपके पास दो बटन होते हैं और एक स्क्रॉल होता है लेफ्ट बटन एंड राइट लेफ्ट बटन से आप दो फंक्शन uh, कर सकते हैं आप किसी भी प्रोग्राम डॉक्यूमेंट या फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं सिंगल क्लिक से और डबल क्लिक से क्या कर सकते हैं उसको ओपन कर सकते हैं राइट right क्लिक से आप क्या कर सकते हैं किसी भी फाइल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आप एक्सेस करते हैं एंड इट लिस्ट ऑफ कमांड्स ठीक और एक चीज है आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जिस किसी फाइल को आपने ड्रैग करना है वहां पे कर्सर को ले जाइए लेफ्ट क्लिक करिए देन मूव द माउस जहां पे ले जाना है और वहां पे आप लेफ्ट क्लिक को रिलीज करिए तो आपका ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट माउस। नेक्स्ट थिंग इन इनपुट डिवाइसेस, पॉइंटेड इनपुट डिवाइसेस इज द ट्रैक बॉल ओके ट्रैक बॉल जो है इसको बनाया गया था माउस से ग्यारह साल पहले 1963 सिक्सटी थ्री माइनस में बनाया गया था किसको ट्रैक बॉल को ओके okay? तो अनलाइक योअर माउस माउस में क्या होता है पूरे का पूरा डिवाइस आपका मूव होता है ठीक है लेकिन ट्रैक बॉल में आपका पूरा डिवाइस मूव नहीं होता है जो ये ऊपर बॉल लगी है दिस ब्लू बॉल जो ये ब्लू बॉल है ये ब्लू बॉल आपकी मूव करती है 360 डिग्री ये ब्लू बॉल जो है मूव करती है आपकी 360 डिग्री द एक्चुअल डिवाइस नीड नॉट टू बी मूव जो आपका नीचे वाला ब्लैक पोर्शन है ये एक्चुअल डिवाइस है इसको हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ओनली द ब्लैक बॉल इज मूव एलोंग थ्री सिक्सटी डिग्री रोटेशन तो जो आपका ट्रैक बॉल है इसको किसने बनाया था इसको टॉम क्रेंसटन एंड फ्रेड लॉन्गस्टॉप टॉम क्रेंसटन एंड फ्रेड लॉन्गस्टॉप तो इन दो साइंटिस्ट ने ट्रैक बॉल को बनाया 1952 में कब 1952 में ओके okay, 1950 मतलब जो आपका माउस है 1963 में बना था उससे 11 साल पहले आपका ट्रैक बॉल ऑलरेडी बन चुका था अब ट्रैक बॉल की रिक्वायरमेंट क्या थी पहले पहले जब लैपटॉप्स आते थे तो उनमें ट्रैक पैड की लिए जगह नहीं होती जो आजकल के लैपटॉप में माउस पैड होता है ऐसे यहाँ पे एक बटन और यहाँ पे दूसरा बटन तो ये ट्रैक पैड जो होता था पहले पहले लैपटॉप उसमें नहीं आता था तो क्या करते थे फिर उन तब क्या किया जाता था तब इसी ट्रैक बॉल को कीबोर्ड के अंदर ही फिट किया जाता था जो कि लैपटॉप में आप कर्सर मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं विद द मूवमेंट ऑफ दिस बॉल विद द मूवमेंट ऑफ दिस ब्लू बॉल ओके इट इज अनदर पॉइंटिंग डिवाइस विच इज एन ऑल्टरनेटिव टू माउस ये माउस का क्या था ऑल्टरनेटिव ओके राइट तो जो आपका ट्रैक बॉल है ट्रैक बॉल को यूज किया जाता था कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग

एंड वर्क स्टेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है वर्क स्टेशन जो ह्यूज कंप्यूटर्स होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट मेमोरी होती है और मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम इसको यूज कर सकते हैं तो वर्क स्टेशन में भी आपका ट्रैक बॉल को यूज किया जाता था एंड सीन कंप्यूटराज स्पेशल सच एज रडार कंसोल्स एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम सोनार इक्विपमेंट्स तो इन इन चीज़ों में आपका ट्रैक बॉल जो है वो यूज़ किया जाता था किसमें कैड कैम स्टेशन में कैड कंप्यूटर एडिड डिजाइनिंग में कंप्यूटर एडिड मशीनिंग में वर्क स्टेशन में, में यूज़ किया जाता था uh, इसमें रडार कंसोल्स में सोनार इक्विपमेंट्स में ठीक है अब रडार और सोनार यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं एक होता है रडार जिसको हम बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड इमेजिंग जो कि आपका डिफेंस में ज़्यादा यूज़ होता है कहाँ पे डिफेंस में जहाँ पे एयर टू एयर कॉम्बैट और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट करना होता है वहाँ पे रडार की हेल्प से आप जो भी आपके मतलब दुश्मन होते हैं उनके एयरक्राफ्ट्स को टारगेट करना दैट इज़ डन थ्रू रडार स्टैंड्स फॉर योर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग तो ये दो चीज़ें आपने सिर्फ फुल फॉर्म इनका याद रखना है नो नीड टू गो इन टू डिटेल्स ऑफ दीज टू टेक्नोलॉजीज़ रडार जो है ये जो काम करता है ग्राउंड पे या एरियल में या एयर में सेम काम आपका सोनार करता है कहाँ पे अंडर वाटर अंडर वाटर लाइक सब को डिटेक्ट करना तो सब जब चलती है तो उनका साउंड होता है तो सोनार क्या करता है वो साउंड के बेसिस पे डिटेक्ट करता है कि जो अपकमिंग जो आपका सब है वो कितना दूर है किस डायरेक्शन में है किस एंगल पे है तो ऑल दिस डिटेल्स आर गिवन बाय योर सोनार जिसको हम बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का मतलब होता है डिस्टेंस मेजर करना ओके तो रडार में रेडियो डिटेक्शन डेट मीन रेडियो वेव्स की हेल्प से जो आप डिटेक्शन करते हैं सोनार में साउंड वेव्स की हेल्प से जो आप डिटेक्शन करते हैं ओके तो रडार जो आउटसाइड वाटर काम करता है ग्राउंड या एयर में सेम काम आपका सोनार करता है अंडर वाटर जैसे सब है शिप्स के अंदर सोनार का यूज होता है ठीक है सो ऑल दिस टू एब्रीवेश जो है ये आपको याद रखनी है और ट्रैक बॉल में एक और इम्पोर्टेंट जैसे मैंने आपको बोला सिर्फ बॉल मूव करती है 360 डिग्री डिवाइस जो है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड डिवाइस की मूवमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड डिवाइस की मूवमेंट जो है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओके सो पॉइंटिंग डिवाइसेस में ट्रैक बॉल जो है सेकंड नंबर पे है जिसको बनाया गया था एज एन आल्टर टू माउस बाय टॉम क्रेंस्टन एंड फ्रेड लॉन्गस्टा 1952 में इसको बनाया गया था जो कि 11 साल माउस से पहले ओके okay? ये एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जो माउस का था एंड दिस इज यूज टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट्स एंड एक्शन कंप्यूटर स्क्रीन ओके पहले पहले लैपटॉप में माउस पैड ट्रैक पैड नहीं होता था तो उसमें ट्रैक बॉल को यूज किया जाता था और ट्रैक बॉल जो है आपका कंप्यूटरेडि डिजाइनिंग में मशीनिंग में वर्क स्टेशन में रडार कंसोल्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल सोनार इक्विपमेंट्स में या सबमेर में इसको यूज किया जाता था और इसमें सिर्फ आपकी बॉल जो है 360 डिग्री मूव करती है द एक्चुअल डिवाइस मूवमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड ओके ना द नेक्स्ट वन इज यूर जॉय स्टिक द नेक्स्ट वन इज यूर जॉय ओके सो जॉय जो है ये भी आपके कर्सर को ही कंट्रोल करता है डायरेक्टली ओके जॉयस्टिक की जो हिस्ट्री है बोला जाता है कि जो जॉयस्टिक है उसकी जो डेवलपमेंट थी वो एक्चुअली 1926 में स्टार्ट हुई थी ठीक 1926 में और किसने बनाया था इलेक्ट्रिकल टू एक्सिस जॉयस्टिक इट वाज इन्वेंटेड बाय सीबी मिरिक सीबी मिरिक सीबी स्टैंड्स फॉर कार्लोस कार्लोस ब्राउन कार्लोस ब्राउन मिरिक कार्लोस ब्राउन मिरिक, तो इसने कहाँ पे ये बनाया था यूनाइटेड स्टेट्स की एक नेवल रिसर्च लेबोर, नेवल मीन्स आपकी नेवी के रिलेटेड ओके नेवल रिसर्च लेबोरेटरी थी और इस टू एक्सिस इलेक्ट्रिकल जॉयस्टिक को पेटेंट किया गया था 1926 में 1926 में ओके okay? मगर जो एक्चुअल हमारे पास आज जॉयस्टिक है जिसको वीडियो गेम्स के लिए यूज किया जाता है रेल्फ एच बेर ओके तो जॉयस्टिक में दो चीजें इसको एक्चुअल में बनाया था रेल्फ एच बेर लेकिन इसकी जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी वो नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स में हुई थी जो कि सी बी मिरिक ने किया था एक जॉयस्टिक को पेटेंट किया था 1926 में जो कि इलेक्ट्रिकल जॉयस्टिक टू एक्सिस मीन्स या तो ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव नेगेटिव एक्स तो एक ही डायरेक्शन में ओके टू एक्सिस लेकिन जो आपका रैल्फ एच बीर ने जो बनाया उसने एक कंप्लीट जॉयस्टिक बनाई फॉर वीडियो गेम जिसमें हमें राइट लेफ्ट अप डाउन ओके तो सारी एक्सीज जो है इसमें कवर होती थी तो नाइनटीन में पहला वीडियो गेम जॉयस्टिक बनाया गया बाय बाय पैच पैच ओके नाउ ये क्या करती है इसमें जो आप देख रहे हो ये हैंडल देख रहे हो जो जॉयस्टिक है है ये जो हैंडल दिस हैंडल मूव्स इन ऑल द डायरेक्शन ये सभी डायरेक्शन में मूव करता है और जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आपका कर्सर मूव होता है मगर जो इसमें डिफरेंस है इन रेफरेंस टू माउस एंड ट्रैक बॉल जब हम माउस को राइट right मूव करते हैं तो आपका होता है. लेकिन जहां पर भी आप की को करते हैं, तो आपका भी हो जाता है. मगर में ऐसा नहीं है अगर आप जॉय स्टिक को राइट right मूव करते हैं एंड देन यू स्टॉप इट आपका करसर तब तक मूव करता रहेगा जब तक आप जॉयस्टिक को फिर से अपनी पोजिशन पे, पे नहीं लाएंगे सेंटर पोजिशन पे नहीं लाएंगे ओके सो दिस इज द डिफरेंस दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में आपने जॉयस्टिक मूव की उस डायरेक्शन में आपका कर्सर कंटिन्यूसली मूव करेगा अगर आपने उसको रोकना है तो आपको फिर से सेंटर पोजीशन पे आना पड़ेगा अगर आप लेफ्ट मूव करें तो आपका कर्सर लेफ्ट मूव करेगा तब तक जब तक आपका जॉयस्टिक लेफ्ट पोजीशन पे है। अगर आपने मूवमेंट को रोकना है आपको फिर से उसको क्या लाना पड़ेगा सेंटर में लाना पड़ेगा ओके दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माउस एंड जॉयस्टिक नाउ जॉयस्टिक को कहाँ पे यूज किया जाता है फ्लाइट सिमुलेटर्स में जो को यूज किया जाता है ठीक कैड सिस्टम्स में और वीडियो गेम जो है वीडियो गेम कंसोल्स जो है आपके उनमें यूज किया जाता है उनमें यूज किया जाता है कहाँ पे मेजर जो है इसका जो ऑपरेशन इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज इन वीडियो गेम्स ओके दैट इज इन वीडियो गेम्स ओके जॉयस्टिक अभी आपको बोला इट इज सिमिलर टू माउस Accept that the movement of the cursor on the screen stops working as soon as the user stops moving the mouse matlab agar aap mouse right move kar rahe ho aapka cursor move karega tab tak jab tak mouse move kar raha hoga jo hi aapne mouse ki movement ko stop kiya aapka cursor ruk jayega मगर joystick में अगर आपने left की तरफ handle को घुमाया तो आपका cursor continuously move करेगा तब तक जब तक आप handle को फिर से center position पे नहीं लाएंगे right?

डायरेक्शन और कैसे थ्री सिक्सटी डायरेक्शन और जॉयस्टिक्स को यूज किया जाता है, में, में, और में, जो है जिस डायरेक्शन में को, uh, किया है, आपका जो कर्सर है वो कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में मूव करता है अन्य जॉय टू दिन पोजिशन और द सेंटर पोजिशन ओकेस्ट इज योअर लाइट पेन ठीक है देखा होगा आपने लाइट पेन ये राइट right साइड जो है मैंने इमेज में डाला हुआ है तो लाइट right, पेन जो है इट इज ऑल्सो इट वॉज इन्वेंटेड इनटीन बैन गर्ली इन इनटीन फिफ्टी नाइन ओके तो लाइट पेन को जो है 1959 में बनाया गया था बाई बैन गर्ली तो इससे आप ये चीज अंदाजा लगा सकते हो कि यूएस में नाइनटीन फिफ्टी नाइन टूडेडी टू ओके तो यूएस इज फिफ्टी ईयर्स अहेड ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है हर एक चीज में दैट इज वाई यूएस इज कंसिडर टू बी द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड ओके अब लाइट पेन क्या है ये एक हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस अब यहाँ पे देखिए ये जो इसका टिप होता है टिप के ऊपर यहाँ पे क्या लगा होता है यहाँ पे एक फोटो सेल लगा होता है क्या लगा होता है एक फोटो सेल लगा होता है जब आप इस टिप को अपने मॉनिटर पे पॉइंट करते हैं यहां पे अपने मॉनिटर पे पॉइंट करते हैं देखिए अपने मॉनिटर पे आप पॉइंट करते हैं यहां पे ओके तो जो फोटो सेल लगा है वो मॉनिटर की लाइट को क्या करता है सेंस करता है मॉनिटर की लाइट को सेंस करता है जब वो मॉनिटर की लाइट को सेंस करता है तो ये क्या करता है ये पल्स जनरेट करता है आपका जो पेन है वो क्या करता है वो एक पल्स जनरेट करता है और वही पल्स जो है आपके पीसी के थ्रू आपकी यूएसबी जो है इसमें लगी है ये जो केबल लगी है इस केबल के थ्रू आपके पीसी के अंदर जाता है वो पल्स और उसी पल्स से आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको ये पता चल जाता है कि इस वक्त ये जो लाइट पेन है ये मॉनिटर की किस लोकेशन को डिपिक्ट कर रहा है ये मोनिटर की किस लोकेशन पे इस वक्त डिपिक्ट uh, कर रहा है ठीक है अवेलेबल है तो वही उसी लोकेशन पे अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो आपके मोनिटर पे एक्चुअली लिखा जाता है ठीक है तो लाइट पेन का ये प्रिंसिपल है क्या है लाइट पेन का प्रिंसिपल इस लाइट पेन के अंदर क्या होता है एक फोटो सेल होता है ठीक है ये फोटो सेल जो है बिल्कुल टिप के ऊपर जब आप इस टिप को अपने मॉनिटर की स्क्रीन पे लाते हैं तो ये फोटो सेल क्या करता है आपकी मोनीटर की लाइट को सेंस करता है ठीक है जब लाइट सेंस करता है तो ये क्या करता है ये एक जनरेट करता है एक पल्स और उसी पल्स जो है पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल वही पल्स आपकी इस वायर के थ्रू जो आपकी पीसी में लगा हुआ है यूएसबी के थ्रू अब वही पल्स जो है आपके पीसी के अंदर चला जाता है और कंप्यूटर हार्डवेयर वहां प्रोसेस करके ये डिसाइड करता है कि इस वक्त पॉइंट पेन जो है ये मॉनिटर की किस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है ठीक है जिस लोकेशन पे आपका पेन पॉइंट कर रहा है उसी लोकेशन पे आपका कंप्यूटर पे कोई भी चीज जो आप लिखना चाहते हो तो वो लिखी जाती है एन इनपुट डिवाइस डिजिटल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स में यूज किया जाता है जो कि आपका पीडीएज जिसको हम बोलते हैं ओके इसमें इट इज वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द स्क्रीन जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया किस तरह से ये स्क्रीन का लोकेशन आइडेंटिफाई करता है जिस लोकेशन पे आप इसको पॉइंट करते हो उसी लोकेशन पे ये सेंस करता है लाइट एक इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है और वही इलेक्ट्रिकल पल्स जो है यूएसबी के थ्रू आपके कंप्यूटर में जाते हैं तो वहां से पता चल जाता है कि इस वक्त आपका पेन मॉनिटर की किस लोकेशन पे पॉइंट uh, कर रहा है हावएर इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन वेन इट इज हेल्ड ओवर ए ब्लैंक पार्ट ऑफ द स्क्रीन अगर आप ब्लैंक पार्ट पे इसको पॉइंट करते हो तो ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता विच इज अट ऑफ ड्रा बैक इन लाइट पेन ठीक है sort of light तो लाइट पेन में आपने क्या देखा इसको बैनगरली ने बनाया नाइनटीन फिफ्टी नाइन में ये एक हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको हम किस लिए यूज करते हैं फॉर मेकिंग ड्राइंग्स ग्राफिक्स एंड फॉर मेनू सिलेक्शन ओके इसके अंदर क्या होता है एक फोटो सेल होता है स्मॉल ट्यूब के अंदर जैसे कि ये ट्यूब है फोटो सेल होता है जो कि सेंस करता है लाइट फ्रॉम द स्क्रीन व्हेन इट कम्स क्लोजर एंड पल्स पल्स तो वही आपका यूएसबी के थ्रू कंप्यूटर में चला जाता है और वहां से पता चल जाता है कि इस वक्त आपका पेन कंप्यूटर की किस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है इसको यूज किया जाता है आपके पी डी एस पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स राइट नाउ आज के टेबलेट्स में भी यूज होता है ठीक है आपके मोबाइल फोन्स में भी आप यूज कर सकते हैं लाइक सैमसंग का जो एस ट्वेंटी एस ट्वेंटी टू जो वर्जन हैं, उनमें पेन uh, का यूज होता है ओके और दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द स्क्रीन सो ऑल दिस थिंग्स जो है आपने क्या करना है इन चीज़ों को याद रखना है लाइट पेन लाइट पेन के बाद आपका टच स्क्रीन ओके देखा होगा आपने टच स्क्रीन लैपटॉप्स में मोबाइल फोन्स में एटीएम्स में या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में एयर एयर पोर्ट रिजर्वेशन सिस्टम में सुपर मार्केट्स में तो ये सारी चीज़ों पे आपका क्या यूज होता है टच स्क्रीन यूज होता है ओके okay? तो टच स्क्रीन को किसने बनाया टच स्क्रीन को बनाया ई ए जॉनसन इन 1965 ई ए जॉनसन इन 1965 जबकि हमारे पास टच स्क्रीन जो पहुंचा टू थाउजेंड में पहुंचा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं और अमेरिका कहाँ पे है ठीक है सो ऑल दिस इनवेंशन मोस्ट ऑफ द इन सारी नहीं मोस्ट ऑफ द द्लेस इन अमेरिका ओके सो इट वॉज डेवलप्ड इट वॉज इन्वेंटेड बाई जॉनसन ओके तो ये क्या है ये एक इनपुट डिवाइस भी है एक आउटपुट डिवाइस भी है जो क्या एक्सेप्ट करती है इनपुट व्हेन द यूजर प्लेस इज ए फिंगर टिप ऑन द स्क्रीन फिंगर टिप ऑन द स्क्रीन अब थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें आपका जो टच स्क्रीन है ये कैसे काम करता है लेट अस सपोज दिस इज अ टच स्क्रीन टच स्क्रीन के हर एक पॉइंट पे ना एक बीम निकलता है एक बीम निकलता है ओके okay? कौन सा बीम होता है ये इंफ्रारेड बीम होता है क्या होता है इंफ्रारेड बीम ठीक इंफ्रारेड बीम जो है एक सॉर्ट ऑफ वेव होती है जैसे हमारे पास रेडियो वेव होती है सिमिलरली हमारे पास इंफ्रारेड होता है अब जो टच स्क्रीन का जो सरफेस है ये जो सारी इंफ्रारेड बीम्स है ये क्रिस क्रॉस पैटर्न में निकलती हैं ऐसे क्रिस क्रॉस और ये कहां पे करती हैं सरफेस पे कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं सरफेस पे जो ही आप सरफेस पे फिंगर रखते हैं सपोज मैं यहाँ पे फिंगर रख रहा हूं तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन है ये क्या होता है ये डिसरप्ट हो जाता है ये इंटरसेक्शन जो है ये डिसरप्ट हो जाता है डिसरप्ट हो गया तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे ये दोनों बीम्स आपस में कट गई तो जो ये दोनों बीम्स आपस में कट जाती है तो जो आपके पास टच स्क्रीन का कंट्रोलर होता है उसको पता चल जाता है कि ये दोनों बीम्स कहाँ पे कटी हैं तो वो डिसाइड कर लेता है कि यहीं पे मेरा क्या हुआ होगा यहीं पे मेरा फिंगर टच हुआ है यहीं पे मेरा फिंगर टच हुआ है तो जहाँ पे फिंगर टच हुआ है वहीं पे आपका जो टच स्क्रीन है वो कंसिडर करता है कि वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है फिंगर टच हुआ है दैट मीन्स वहीं पे आपने इनपुट को रिसीव करना है ओके okay? जैसे यहाँ पे टच स्क्रीन्स दे हैव व्हाट दे हैव एन इंफ्रारेड बीम दैट क्रिस क्रॉस द सरफेस ऑफ द स्क्रीन दैट क्रिस क्रॉस द सरफेस ऑफ द स्क्रीन यहाँ से एक बीम निकला यहाँ से दूसरा बीम निकला जो कि क्रिस क्रॉस में होता है सिमिलरली हर पॉइंट पे

हॉस्पिटल्स, एयरलाइन रिजर्वेशन सुपर मार्केट स्मार्टफोन लैपटॉप टीवी में भी आज टच आ रहे हैं जॉनसन so okay? e. ने बनाया 1965 में ये दोनों है इनपुट डिवाइस भी है आउटपुट डिवाइस भी है इसमें क्या होता है इंफ्रारेड बीम निकलता है टच स्क्रीन जो कि क्रिस क्रॉस करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ स्क्रीन जहां पे भी आप टच करते हो तो आपका जो क्रिस क्रॉस वाला इंफ्रा रेड है वो क्या करता है वो डिस्टर्ब हो जाता है जहां पे वो हो जाता है तो आपके कीबोर्ड आपके जो टच स्क्रीन कंट्रोलर है उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे टच हुआ है और वहीं पे आपका इनपुट वो कंसिडर करता है ओके इसको ए में यूज किया जाता है हॉस्पिटल में यूज किया जाता है एयरलाइन रिजर्वेशन में यूज किया जाता है एंड सुपर मार्केट्स में यूज किया जाता है ओके अब यहां तक थी आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर नॉन नॉन पॉइंटिंग पॉइंटिंग डिवाइसेस डिवाइसेस ओके तो नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस में क्या होता है जो आपके कर्सर को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते ठीक है तो सबसे पहला जो नॉन पॉइंटिंग डिवाइस है दैट इज योड दैट इज यड रीडर बार कोड रीडर तो बार कोड रीडर में आपकी दो चीजें आती हैं हमेशा ध्यान में, में रखिए एक होता है ये स्ट्रिप एक होता है ये स्ट्रिप जिसको हम बोलते हैं बार कोड स्ट्रिप जिसको बोलते हैं बार कोड स्ट्रिप या सिंपल बार कोड जो इसके अंदर ये डिजिट्स लिखे होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट लाइन है दिस इज एक्चुअली अ बार कोड ओके एंड द डिवाइस विच इज यूज टू रीड दिस बार कोड इज रीडर इट इज रीडर तो यहाँ पे दो चीजें हैं और दोनों के अलग अलग इन्वेंटर्स ठीक है बार कोड जो है डेट इज़ द स्ट्रिप इट वाज इन्वेंटेड बाय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और कब इसने बनाया था बार कोड को 1951 में 1951 में बार कोड को बनाया गया था सो so दैट कि कोई भी जो एसेट है उसकी इंफॉर्मेशन को बार कोड में स्टोर किया जाए ठीक है तब बार कोड रीडर का कोई आइडिया नहीं था सिर्फ और सिर्फ बार कोड स्ट्रिप को बनाया गया 1951 में और 1951 में बारकोड को किसने बनाया नॉर्मेन जोसेफ वुडलैंड ओके और बारकोड रीडर जो है इसको लगा कि नहीं जी इसको रीड करने के लिए कोई डिवाइस होना चाहिए तो बारकोड रीडर फिर किसने बनाया जॉर्ज जोसेफ लाउरर जॉर्ज जोसेफ लॉरर कब 1974 में 1974 दैट मीन 9 10 19 23 के बाद तो 23 इयर्स के बाद आपका जो है बारकोड रीडर बनाया गया बार कोड रीडर जो है वो बनाया गया अब बार कोड रीडर क्या है इट इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर रीडिंग प्रिंटेड बार कोड्स बार कोड को क्या बोलते हैं बार कोड को यूपीसी भी बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो कि कहाँ पे लगा होता है प्रोडक्ट्स में जो आप कोई भी प्रोडक्ट आप सुपर मार्केट्स में जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली बार कोड को रीड किया जाता है उससे क्या पता चलता है उससे पता चलता है कि आइटम कौन सा है इसका बैच नंबर क्या है इसका प्राइस क्या है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है वैलिडिटी कितनी है इस प्रोडक्ट की ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बार कोड में जो है सीक्रेटली uh, लिखा गया होता है ठीक है तो बार कोड रीडर क्या है एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि बार कोड्स को रीड करता है बार कोड को हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी बोलते हैं जिसमें आपकी प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है ठीक है तो बार कोड रीडर क्या करता है अब ये बार कोड रीडर जो है ये किस तरीके से इस बार कोड स्ट्रिप को रीड करता है हमेशा याद रखिए अगर आपने सुपर मार्केट में देखा होगा जो ही बार कोड आप इस स्ट्रिप के पास लाते हैं तो बार कोड क्या करता है एक लाइट एमिट करता है यहाँ पे भी आपकी यहाँ तो ब्लू लाइट होती है या फिर रेड लाइट होती है ठीक है नेक्स्ट टाइम जब आप बारकोड में इसमें सुपर मार्केट में जाएंगे तो आप ये चेक कर सकते हैं जो ही वो बार कोड रीडर अपने स्ट्रिप के साथ लाता है तो वो लाइट एमिट करता है वो लाइट यहाँ से निकल के कहां पे रिफ्लेक्ट होती है आपके बारकोड पे ठीक है तो एक कॉमन सा स्नैरियो है कॉमन सा फिनोमिन है कि जो ब्लैक होता है ठीक आपको क्या लग रहा होगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर होगी ब्लैक स्ट्रिप्स में ठीक है जनरली यही लगता है बट ये गलत है क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल सा सिनेरियो देखते हैं अगर हम एक ब्लैक स्ट्रिप लेते हैं ठीक और इस पे हम लाइट डालेंगे तो ब्लैक को कहा जाता है परफेक्ट एब्जॉर्बर क्या कहा जाता है परफेक्ट एब्जॉर्ब जबकि व्हाइट जो है उसको बोला जाता है परफेक्ट रिफ्लेक्टर ओके तो जो ये बारकोड रीडर लाइट एमिट करता है ये इस बारकोड स्ट्रिप पे जाके रिफ्लेक्ट होती है कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है जहाँ पे आपकी वाइट स्ट्रिप है न कि ब्लैक ब्लैक क्योंकि black तो एब्जॉर्ब करेगा ये वाइट जब लाइट इन पे पड़ती है तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और वही लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे आपके बारकोड रीडर में एक लाइट लाइटिटिव रिसीवर लगा होता है एक लाइट सेंसिटिव रिसीवर लगा होता है और लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर लगा होता है जो कि इन रेडिएशन को क्या करता है रिसीव करता है और जब ये रिसीव करता है फाइनली आपके सॉफ्टवेयर में वो लाइट जो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस जाती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस करता है एंड फाइनली जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके डिस्प्ले पे डिस्प्ले हो जाती है आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाती है सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस हाउ अ बार कोड रीडर रीडर बार कोड स्ट्रिप ओके तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जो आपने हर जगह पे देखी होगी ऑलमोस्ट जनरली सुपर मार्केट्स में या आ, क्या बोलते हैं टेक्सटाइल शॉप्स पे तो वहाँ पे होता है बार कोड को रीड किया जाता है, है बार कोड स्कैन बारकोड स्कैनर जो है एक लाइट एमिट करता है जो कि आपके स्ट्रिप पे टकराती है टकर ब्लैक होता है वहाँ पे वो परफेक्ट एब्जॉर्ब होती है जहाँ वाइट होता है वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होके फिर से बारकोड रीडर की तरफ आती है बारकोड रीडर के अंदर एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर लगा होता है जो उन रेडिएशन को डिटेक्ट करता है एंड फाइनली जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आपके डिस्प्ले पे आपके मोनिटर पे डिस्प्ले करता है ठीक है अब बारकोड क्या होता है बारकोड जो है इट इज ए मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओके ये वाला बारकोड ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन होती है जो इस मशीन से हम क्या करते हैं रीड करते हैं ठीक है थीके? तो क्या-क्या देखा आपने बारकोड में बारकोड रीडर में दो चीजें होती है एक बारकोड स्ट्रिप और सिंपल बारकोड एक बारकोड रीडर बारकोड को बनाया गया बाय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड 1951 में एंड बारकोड रीडर को बनाया गया 1974 में बाय जॉर्ज जोसेफ ओके तो ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है रीडर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि प्रिंटेड बार कोड उसको रीड करता है प्रिंटेड बार कोड उसको हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी बोलते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स पे लगा होता है जिसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बैच नंबर प्राइस डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सारी डिटेल्स उसमें ऑलरेडी सीक्रेटली uh, लिखी गई होती है तो बारकोड रीडर क्या करता है लाइट एमिट करता है जो कि आपके बारकोड बार को स्ट्राइक करती है ब्लैक जो है वो परफेक्टली करती है वाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है एंड जो बारकोड रीडर के अंदर एक डिटेक्टर लगा होता है वो उन रिफ्लेक्टेड रेज को डिटेक्ट करता है एंड सेंड दोज इलेक्ट्रिकल पल्सिस सॉफ्टवेयर जहां पे उसको डी करके आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है बार कोड की एग्जाम्पल आपको सुपर मार्केट में मिल सकती है स्कैनर क्या करता है इट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट नॉट ओनली प्राइस बट अदर जो मैंने आपको बता दिया बारकोड जो है इट इज ए मशीन रिटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक एंड डार्क इंक और ब्लैक एंड लाइट इंक ओके देखिये बार कोड रीडर ओ एम आर ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन एंड एम आई सी आर ये चार डिवाइस ऐसी है जिनका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल सेम सेम चीज ठीक है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर देखा होगा आपने इसको आंसर कीज़ जो है आंसर क्वेश्चन आंसर और वी से मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए आपका ओ एम आर जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो यूज किया जाता है

मार्क तो यही रीड करेगा बट प्रिंसिपल ये नहीं है कि ये डायरेक्टली बोलेगा यहाँ पे ब्लैक है तो ब्लैक ये क्या करता है ये जो ब्लैक मार्क्स नहीं है उनको डिटेक्ट करता है जब उनको डिटेक्ट करता है तो उसको पता चल जाता है कि एक्चुअल मार्क कहाँ पे है जहां पे सिग्नल नहीं मिलेगा वहां पे एक्चुअल मार्क है क्योंकि ब्लैक क्या करेगा ये लाइट रेज को परफेक्टली एब्जॉर्ब करेगा ठीक है तो जब ये परफेक्टली एब्जॉर्ब करेगा तो सॉफ्टवेयर से पता चल जाता है कि जहाँ तीन पे मार्क्स नहीं है इसका मतलब है जहां पे मुझे सिग्नल uh, नहीं मिल रहा है मार्क एक्चुअली वहीं पे ओके दिस हाउ योर मार्क्स आर डिटेक्टेड ऑन एन ओएमआर शीट जस्ट लाइक योर बार कोड ये भी क्या करता है इट यूज अ बीम ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द पेपर विद मार्क्स टू कैप्चर द प्रेजेंस एंड एबसेंस ऑफ डाटा मार्क्स जैसे कि हमने बार कोड में देखा सेम प्रिंसिपल ओके

और अदर जो आपकी साइंटिफिक रिसर्च एवेल्युशन स्टडीज होती हैं वहाँ पे आपका ओ को यूज़ किया जाता है एंड ओ एम आर स्टैंड फॉर द ऑप्टिकल मार्क रीडर ऑप्टिकल मार्क रीडर ओके तो ये भी बिल्कुल वैसा ही प्रिंसिपल है दैट इज़ वाई बार कोड मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया बार कोड जैसा फंक्शन करता है सेम आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर भी फंक्शन करता है ऑल दो द इन्वेंटर्स आर डिफरेंट इन्वेंटर इसका जो है एवरेस्ट एवरेट फ्रेंकलिन लेंट It was invented by Edward Franklin Lingquist in 1962 and it is also known as Optical Mark Recognition. ye kya detect karta hai It detects the presence of marks on a paper. जिसको एक special type का paper होता है, जिसको हम OMR बोलते हैं, OMR sheet बोलते हैं। अब ये device क्या करता है? जो ये आप ओ एम आर शीट इस डिवाइस के अंदर डालते हैं ये लाइट बीम उसको जनरेट करता है वो आपके आ, पेपर पे रिफ्लेक्ट होके आती हैं जहाँ जहाँ रिफ्लेक्ट होके आएंगी वहाँ मार्क्स नहीं है जहाँ रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएंगी वहाँ मार्क्स है द डाटा इज देन सेंड टू द सॉफ्टवेयर ऑन ए कंप्यूटर जो कि आपका फाइनल मार्क्स को डिटेक्ट करता है जो आपके फाइनल मार्क्स को मार्क्स इज डिटेक्टेड ओके दिस इज द ऑप्टिकल मार्क रीडर ऑप्टिकल मार्क रीडर डिज यल करेक्टर रिकॉगनिशन तो यहाँ पे मार्क रिकॉगनाइज किया जाता था यहाँ पे करेक्टर्स को रिकोगनाइज किया जाता है ठीक है एंड दिस ऑप्टिकल करेक्टर रिकोगशन जिसको हम ओ भी बोलते हैं इट वॉज इन्वेंटेड बाय करजवील रे कर्जवील ने इसको इन्वेंट किया था नाइनटीन में नाइनटीन सेवेंटीज़ में रेकर्सविल ने इसको इन्वेंट किया था और इसको हम सिंपली बता सकते हैं इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर आपके पेज पे कुछ लिखा है आप चाहते हैं कि हम इसको डिजिटल फॉर्म में लाएं सो so दैट आप इसको एडिट कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे आप ओसीआर का यूज करके उस इमेज को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ओसीआर क्या है ओसीआर इज ए टेक्निक फॉर स्कैनिंग ऑफ ए आप देख सकते हैं ये डिवाइस है इसके नीचे भी एक लाइट सोर्स लगा होता है जब आप ऑप्टिकल मार्क ऑप्टिकल करेक्टर रीडर को किसी भी वर्ड uh, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर लाते हैं तो ये क्या करता है ये लाइट की वजह से आपका सेम प्रोसीजर लाइट जब आपकी रिफ्ल ये ना स्ट्राइक करती है पेपर को जहां जहां ब्लैक है वहाँ वहां पे क्या होता है वहां वहां, वहां पे अब्जॉर्ब होता है जहां जहां वाइट है वहां वहां पे रिफ्लेक्ट होता है तो जो ये रिफ्लेक्ट होता है सिंपली इस आ, जो ये आपका यूएस है जो केबल है इसी केबल के थ्रू ये डाटा जाके आपके ओ सॉफ्टवेयर में जाता है और वहां पे वो क्या करता है इन आ, पैटर्न्स को इन डॉट्स के पैटर्न्स को कन्वर्ट करता है इनटू अ तो

दिस इज द एस की फॉर्मैट तो जब यह आपका ओ सी आर डि आपके टेक्सट को आ, ये करता है मतलब रीड करता है इट रीड्स दिस टेक्सट इन विच फॉर्मैट इन एस की फॉर्मैट और एस की फॉर्मैट जो होता है दैट इज एक्चुअली एन एडिटेबल फॉर्मैट ओके तो वही एडिटेबल फॉर्मेट में आपका डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में जिसको आप फर्दर एडिट कर सकते हैं ठीक है यह क्या करता है इट ट्रांसलेट्स एरे ऑफ डॉट्स मैंने आपको अभी बोला कि जहाँ पे आपका ब्लैक है वहां पर लाइट को एब्सॉर्ब करता है और जहाँ पे वाइट है जो ओ सी आर सॉफ्टवेयर है वो उसी एरे ऑफ डॉट्स को कन्वर्ट करता है इन टू टेक्सट दैट दूटर कैन इंटरप्रेट एज वर्ड्स एंड लेटर्स एज वर्ड्स एंड लेटर्स एंड फाइनली दिस ओसीआर टेक्निक फॉर एक्वायरिंग टेक्स्टल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेज अगर आपके पास कोई इमेज होगी जिसपे कुछ लिखा होगा तो आप क्या कर सकते हैं उस इमेज पे जो लिखा होता है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू एडिटेबल टेक्सट ओके कहा यूज होता है आपका ओ सी आर टेलीफोन बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में इंश्योरेंस प्रीमियम में एक्सेट्रा ओके okay? यहाँ आप यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हैं पासपोर्ट जो आपके पासपोर्ट होते हैं वहां पे भी डाटा रीड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर और इसी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर टेक्नोलॉजी को अब यूज किया जाता है फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन और क्वेश्चन में बी आस्क्ड इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ ओसीआर टेक्नोलॉजी इज इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीड okay? तो okay? तो करता है आप डायरेक्टली कंप्यूटर को सेंड करते हैं और वहां पे ओ सी आर सॉफ्टवेयर लगा होता है जो उसको कन्वर्ट करता है इन टू एडिटेबल टेक्स्ट राइट right? और इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो टेलीफोन बिल्स इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इंश्योरेंस प्रीमियम्स, पासपोर्ट्स राइट एंड द एडवांस्ड वर्जन ऑफ योर ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन इज द इंटेलिजेंट करेक्टर रिकॉग्निशन जिसको हम बोलते हैं आईसीआर आईसीआर तो ऑप्टिकल रिकॉग्निशन में ओसीआर ऑप्टिकल रिकॉग्निशन ओसीआर दिस ऑप्टिकल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड वन मोर इज देयर आईसीआर ज द इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकोगशन एंड जिस फॉर्मेट में डाटा आपका स्टोर होता है एस की फॉर्मेट अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज सो दीज थ्री इम्पॉर्टेंट थिंग्स नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड ओके इसके बाद आपका आता है एम आई सी आर एम आई सी आर जनरली आपके बैंक में यूज होता है ओके एम आई सी आर जो है आपके बैंक में यूज होता है ओके सो दिस थिंग टेक अपर आर मेनी अदर डिवाइस जो हमें डिटेल में करनी है सो वन मोर क्लास इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इनपुट डिवाइसिस जिसमें आपका एम आई सी आर है स्मार्ट कार्ड रीडर है बायोमेट्रिक है स्कैनर है स्कैनर uh, के टाइप्स है दैन माइक्रोफोन स्पीकर वेब कैम पी सी कार्ड एंड समिज सो दिस विल टेक वन मोर क्लास टू फिनिश अप दिस इनपुट डिवाइस एंड विल मूव ऑन द आउटपुट डिवाइस ओके दैट इज ऑल फॉर टूडे ठीक इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली पोस्ट देम कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्टली ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं ओके थैंक यू